आन बान शान माने जाने वाले महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा विदेशों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ने को तैयार है और विदेशी धरती पर महाराणा वीर शिरोमणि की आदमकद प्रतिमा हाथी पर सवार होकर दुबई के लिए निकल पड़ी है। इस मूर्ति का निर्माण जयपुर के होनहार कलाकार द्वारा किया गया है। हाथी पर सवार प्रताप की प्रतिमा 14 फीट ऊंची और 2 टन से ज्यादा वजनी है, जिनमें महाराणा प्रताप राजसी पोशाक और वैभव के साथ विराजमान है। राजस्थान के गौरव और आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप देश ही नहीं विदेश में भी अपना तेज बिखेरने को तैयार है। मूर्तिकार महावीर भारती की बनाई हाथी पर सवार महाराणा प्रताप की 14 फीट ऊंची और 2 टन से ज्यादा वजनी प्रतिमा बनकर तैयार है। प्रतिमा में महाराणा प्रताप राजसी पोशाक और वैभव के साथ विराजमान दिखाई दिए हैं। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली है। पीछे सेवक उनकी सेवा के लिए बैठा है। प्रताप जी की प्रतिमा अभी तक आपने उनकी चेतक पे सवार प्रतिमा को ही देखा गया है। अब ये आप जो मेरे पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, ये विश्व की पहली प्रतिमा है जिनमें महाराणा प्रताप अपने प्रिय हाथी राम प्रसाद पे सवार है। और इनकी ये प्रतिमा जो है, हमने 4 महीनों की अथक मेहनत से इसको तैयार किया गया है और ये 14 फीट की प्रतिमा है जो लगभग 2 से 2.5 टन इसका वजन है। दुबई में शारजाह के निजी रिजॉर्ट में महाराणा प्रताप के साथ महारानी पद्मिनी की 8 फीट की प्रतिमा में उनके रूप लावण के साथ अद्भुत श्रृंगार के साथ बनाया गया है। वहीं महाराजा गंगा सिंह की भी 8 फीट ऊंची प्रतिमा राजसी पोशाक में आकर्षक तरीके से दिखाई गई है। चेतक पर सवार प्रतिमा 12.6 फीट ऊंची है। ये तीनों प्रतिमाएं दुबई पहुंच चुकी है। ये जो मावत है, हमेशा उनके हाथ में एक घंटी होती है जो तो उसको हाथी को अपने इंगित करता रहता है, जो आगे लोग भी चलते हैं उनको भी आगाह करने के लिए, सचेत करने के लिए घंटी का इस्तेमाल किया जाता है। अंकुश है वो हाथी को कंट्रोल करने के लिए उनके हाथ में दिखाया गया है। पीछे जो उनके सेवक है उनको हवा जो अपने है उनको सेवा के कार्य के लिए उनको महाराणा प्रताप जी के पीछे दिखाया गया है। महावीर भारती की बनाई महाराणा प्रताप की प्रतिमा इससे पहले अयोध्या, द्वारका, आनंद, झालावाड़, प्रतापगढ़, सरदार शहर, नरसिंहपुर, गाजियाबाद, रतलाम समेत स्थानों पर स्थापित की जा चुकी है। इस बार महाराणा का डंका दुबई में बजने को तैयार है। अनूप शर्मा, जी मीडिया, राजस्थान। अगर आपको लगता है